Good afternoon, guys. Welcome back to my channel, Krishna English Goddess. Today again, I'm here with the new term that is related to advanced spoken. Guys, before starting, let me tell you something. Guys, please subscribe my channel to learn more and more advanced literature. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नाउ. अब हम लोग सेंटेंस पे आते हैं गाइस. हम लोग अपने लाइफ में बहुत बार डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर सच कहूँ तो वह मुझे पसंद नहीं है, सच कहूँ तो वह यहाँ नहीं आना चाहती है, सच कहूँ तो मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, सच कहूँ तो मैं इस काम से तंग आ गया हूँ, सच कहूँ तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ. गाइस, इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम जो टर्म का यूज करते हैं वो है टू बी ऑनेस्ट. तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस, टू बी ऑनेस्ट हमें पहले रखना है सेंटेंस के पहले, उसके बाद आपको सेंटेंस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लेना है. ठीक है गाइस. तो नाउ अब सेंटेंस आपका फॉर्मेशन इस तरह से होगा. जैसे आपको बोलना है, सच कहूँ तो मुझे पैदल चलना अच्छा नहीं लगता. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक टू वॉक. सच कहूँ तो मैं उससे बात करना नहीं चाहता. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर. सच कहूँ तो मुझे वह पसंद नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हर. सच कहूँ तो मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल. सच कहूँ तो मुझे सरकारी नौकरी पसंद है. टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक गवर्नमेंट जॉब. तो गाइज, आप टू बी ऑनेस्ट का यूज करके हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हो गाइज. टू लर्न मोर एडवांस स्ट्रक्चर लाइक दिस, प्लीज फॉलो माई चैनल गाइज. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और जाके आप मेरे रेस्ट ऑफ द वीडियोज को देख सकते हैं गाइज. एंड यू कैन इम्प्रूव एंड पॉलिश योर एडवांस स्पोकन गाइज. थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ गुड टाइम. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.